हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए सुपरस्टार सिंगर्स 2 की बात करने के लिए आ गई हूं, रिव्यू देने के लिए आ गई हूं। फ्रेंड्स, सैटरडे और संडे को ये शो मैंने देखा है और इसमें मुझे ये लगा कि हर शो को एक एक दिन मुझे अलग से देना पड़ेगा हर एपिसोड के लिए। इस हफ्ते के लिए आई एम जस्ट कंबाइनिंग इट। सो पहले बात करती हूँ 23rd की। शो शुरू हुआ, सारे कैप्टन्स को बुलाया गया, उनके कामों की झलकियां दिखाई गई और चिरपरिचित चेहरे थे, देखकर अच्छा लगा। जजेस की सीट पर एचआर और अलका जी एंड जावेद थे, वो देखकर भी अच्छा लगा। और मजेदार था नए बच्चों के नए तरीके के टैलेंट को देखना, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए टैलेंट को देखना। तो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया वो सायरा महाजन को किया गया, जिससे कि अरुणा तालेकर आई थी। टीचर और कैप्टन वाला रोल अच्छे से निभा रही है। उसके बाद प्रांजल ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, बाउल सिंगिंग का एक नया रूप लेकर वो आ रहे हैं और उन्होंने मुर्शिद और टूटा टूटा ये वाला गाना गाया। और अचानक से मुझे सारेगामा पा की अनन्या चक्रवर्ती की याद आई, क्योंकि वो भी बॉल सिंगिंग के जरिए ही उन्होंने एंट्री ली थी सारेगामा पा में। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सॉन्ग्स फ्रॉम प्रांजल। उसके बाद शांतनी आई, ये कांजीलाल सिस्टर्स ना बड़ा मीठा गाती हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब भी अरुणिता और शांतनी की बात करूं मैं कांजीलाल सिस्टर्स जरूर बोलने वाली हूँ, और बहुत सुंदर अच्छा सा गाती है, बहुत बोली वाली सी भी लगी है। अब इस बीच ये बात अलग है कि एचआर ने पवनदीप को बहुत छेड़ा। ओके, अब वहीं पर अलका जी ने भी यही बोला कि उनको लगता है कि फाइनलिस्ट उन्हें मिल गई है, इट इज अ गुड थिंग। फिर उसके बाद मोहम्मद फैज आए, बड़े एकदम उन्होंने जो खैर जो गाना गाया खामोशियां गाया, लेकिन आए बड़े एकदम स्मार्ट से, धांसू बनकर एकदम रॉक स्टार बनना जिसे बोलते हैं। गिटार पर गाना गा रहे हैं, सहेलियों की बात कर रहे हैं, इट वाज गुड फन टू सी। और इन दोनों को नहीं, सैंथनी और फैज दोनों को ही अब एचआर के लेबल में गाने का मौका मिलने वाला है। तो भाई दोनों डुएट गाइए, जल्दी गाइए ताकि मैं आपके गाने का रिव्यू भी कर सकूं। उसके बाद हर्षिता भट्टाचार्य, शी वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। उसकी इमोशनल स्टोरी देखकर और उसकी आवाज में भी वो प्यार झलक रहा था, तो मुझे वो भी अच्छी लगी है। और उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी 24th के शो की। 24th के शो की जो शुरुआत हुई थी वो साइशा के साथ हुई, जिसने हवा के झोंके ये वाला गाना गाया था। और उसके बाद पवन ने सबको शॉक कर दिया। पवन के बारे में बोला जाता है कि ये थोड़ा कम थिरकता है, कम एक्सप्रेशन देता है। भाई नाचो वाला गाना आप देख लीजिए, उसके बाद बोलिएगा पवनदीप को कुछ। क्या डांस किया है पवन ने, मतलब कहां तो वो ब्लैक बेल्ट जो बिल्कुल स्पोर्ट्स पर्सन, जनरली ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स पर्सन जरूरी नहीं कि बहुत अच्छे डांसर हो, लेकिन अगर पवन का नाचो वाला आप सॉन्ग और उनका डांस देख लेंगे ऐसा कहना भूल जाएंगे। आई थॉरली एंजॉयड दैट मोमेंट। उसके बाद फिर मनी आए और पंजाब के, और सच बोलूं मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब का पियारे पियारे ये वाला गाना कभी नहीं सोचा था कि एक बच्चे की आवाज में इतने परफेक्शन के साथ सुनना मिलेगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मनी ऑल्सो। उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ समृद्धि सेन की, जो कश्मीर से आई है और पवन को देखकर उन्होंने हारमोनियम बजाना सीखा है और पंख होते तो उड़ाती और बहुत अच्छे से गाया, बहुत भोलापन था उसके चेहरे पर और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। फिर मुझे रोहन दास बड़े अच्छे लगे, आई मीन वो अगर बात कर रहे हैं बाबू समझो इशारे, वो भी किशोर कुमार जैसे गाने उनके गाने गा रहे हैं, तो भाई I am also waiting for this guy to sing more masti bhara song. हालांकि मुझे कहीं जाकर ना मुझे निहाल की याद भी आ रही थी। फिर मैं बात स्पष्टी करना चाहूंगी विश्वजा की, जो हाथ नका लाओ मजा साड़ी ला ये वाला गाना वो गा रही थी। और सर्टनली जिस परिवार से ताल्लुक रखती हैं वहां पर संगीत ऑलरेडी रहा है, ऐसे में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर विश्वजा ऑल्सो। मराठी गाना था लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कम सुना हुआ गाना है, क्योंकि गाना बड़ा फेमस रहा है। बच्चे सभी अच्छे, चाहे आर्य नंदा की बात कहूं या ऋतुराज की बात कहूं, चैतन्य की बात कहूं या किसी की भी मैं बात कर लूं, बच्चे सभी अच्छे आए हैं। इट्स टू अर्ली फॉर मी ऑल्सो टू टेल यार, मैं इतना बोल रही हूँ कि ये तो पहला हफ्ता है, अभी तो और बहुत सारे इनके परफॉर्मेंसेस देखना बाकी है। और थैंक गॉड जज करने के लिए जज बैठे हैं और जनता बैठी है, मैं सिर्फ रिव्यू करूंगी, क्योंकि बच्चों के बारे में अच्छा बुरा बोलना तो भाई मेरे बस की बात नहीं है। ऑल आर वेरी गुड, ऑल आर वेरी टैलेंटेड। अब आप अपनी बताइए आपको कैसा लगा ये पूरा शो, लिखकर बताइए। जय हिंद।